फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड़ अभियान के चलते आज पुलिस ने बीते 14 नवंबर 2022 को दर्ज एक मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले, बीते 14 नवंबर को प्रार्थी भूरे लाल पुत्र छेदा लाल के तहरीर पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाई हुई थी। तो वहीं आज 15 अक्टूबर 2023 को अमृतपुर के गुजर पुल के पास से इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने पुलिस लाइन सभागार ने घटना का सफल अनावरण किया व जानकारी देते हुए बताया, पुलिस ने एसओजी टीम की मदद से संजय उर्फ संजू पुत्र रविंदर निवासी कुम्हौर थाना अमृतपुर, विनोद पुत्र सुनील शर्मा निवासी कुम्हौर थाना अमृतपुर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद अपराधियों द्वारा पुलिस को जानकारी देते हुए बताया गया कि संजू ने बताया कि मैं व विनोद के खेत पर दिनांक 5/11/2022 को सोता नाला की तरफ गांजा पीने गए थे। तभी वहां पर महिला अपनी बकरियों को चरा रही थी। हम लोगों ने मिलकर लालच बस महिला के कुंडल, उसकी आंखों पर अंगोछा डालकर नोच लिए थे, जिस पर छीना झपटी में वही अंगोछा उसके गले में फंस गया था। तो और उसने हम लोगों को पहचान लिया था, इसलिए भयवश हम लोगों ने उसी अंगोछे से महिला का गला दबा दिया, जिससे वह वहीं की वहीं मर गई। फिर हम लोगों ने उसको खींचकर विनोद के खेत के पास सोता नाला के अंदर जलकुंभी के अंदर नीचे दबा दिया था और हम लोग वहां से भाग गए थे। पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए थी। तो आज अमृतपुर क्षेत्र से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ बताया है पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने मीडिया को जानकारी देने के दौरान। फतेहगढ़ पुलिस ने एक हत्या का मुकदमा तो 14/11/2022 लगभग एक वर्ष पूर्व थाना अमृतपुर में पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र लगभग 80 साल बताई जा रही है कि डेड बॉडी नाले के पास पानी में मिली थी। वो मुकदमा की विवेचना चल रही थी और आज फतेहगढ़ पुलिस ने अपने टेक्निकल सर्विलांस मुखबिर और साथ में अपनी पूरी सूझबूझ के साथ इस घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें दो अभियुक्त जो शामिल थे उनके नाम है संजय उर्फ संजू पुत्र रविंद्र और दूसरा विनोद पुत्र सुनील शर्मा, दोनों निवासी कुमरहौर थाना अमृतपुर के हैं, को गिरफ्तार किया गया है। और इनके खुलासे के बाद, पूरा अनावरण के बाद जो घटना खुलकर आया है वो कुछ इस प्रकार का है कि ये दोनों बैड एलिमेंट्स थे जो नशे के आदि थे और वहाँ पे जिस दिन वो महिला लकड़ी मिलने के लिए वहाँ पहुंची हुई थी उस दिन ये दोनों भी वहाँ साइड में बैठ के नशा कर रहे थे और इन्होंने पैसे की लालच में महिला के कानों में कुंडल देख के इन्होंने उसी वक्त ये योजना बनाई कि इस महिला से कुंडल छीन लेते हैं। इसलिए इनमें से एक व्यक्ति ने उस महिला के आंखों पर अपना गमछे का पट्टा बांधा और दूसरा कुंडल छीनने लगा। और आंखों का पट्टा इनके द्वारा इसलिए बांधा गया क्योंकि वो महिला इनको पहचानती थी और ये उन महिला को पहचानते थे। तो इसी आंखों के पट्टा बांधने के बाद जब कुंडल छीन रहे थे तभी झटपटाहट में वो गमछा महिला की आंखों से फिसलकर गर्दन पे पहुंच गया और गर्दन पे पहुंचने के कारण उस महिला ने इनको देख लिया। इनको जब देख लिया तो ये लोग घबरा गए और घबराने के बाद इन्होंने उसकी हत्या की योजना बनाकर गला घोटकर उसकी हत्या कर डाली। और हत्या करने के बाद ये घबरा गए, इसलिए जो कानों से कुंडल छीना था वो कुंडल लेकर वो भाग गए और बाकी जेवरात ये वहां से लूट नहीं पाए और उन्होंने सबको बगल के नाले में फेंक दिया। पुलिस ने सबको तत्काल उस वक्त बरामद किया तो उसका पोस्टमार्टम हुआ था और अभी हम लोगों ने मुखबिर के माध्यम से और जो सर्विलांस के माध्यम से तथ्य एकत्रित हुए उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की, इनसे पूछताछ की, इन्होंने अपने द्वारा घटना की स्वीकारोक्ति की है तथा इनकी निशानदेही पर हमने जो कुंडल लूटे गए थे वो बरामद किया, उसके सभी दस्तावेज जो होते हैं वो भी सुनार के पास से बरामद किए गए हैं और हम लोग इसमें कड़ी जोड़कर विवेचना कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी विवेचना इक्वालिटी उत्तम होगी और इस मुकदमे में हम माननीय न्यायालय से अनुरोध कर इनको सजा दिलवाने में सफल हो पाएंगे।